सोने का जादुई फ्रॉक और सैंडल। कानपुर शहर में भावना अपनी बेटी शिवानी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। भावना लोगों के घरों में खाना बनाने का काम किया करती थी। इसी से उसका घर का गुजारा चलता था। भावना अपनी बेटी शिवानी से बहुत प्यार करती थी। बिन बाप की बच्ची को भावना ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। उसने शिवानी का दाखिला भी शहर के अच्छे कॉलेज में करवाया था। शिवानी अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जो चीज भी देखती थी, घर आकर वो अपनी माँ से वैसी ही चीज मांगती थी। भावना अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करती थी। एक दिन शिवानी कॉलेज से घर आते ही अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरी कॉलेज की सारी लड़कियाँ पिकनिक पर शिमला जा रही है, मुझे भी पिकनिक पर जाना है। पिकनिक जाने के लिए मुझे 500 रुपए चाहिए। भावना की साड़ी फटी हुई थी। वो अपनी नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, लेकिन वो अपनी बेटी की इस खुशी के लिए सारे पैसे उसे दे देती है। शिवानी खुशी खुशी उन पैसों को लेकर शिमला अपने पिकनिक टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद उसके कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आती है। पार्टी में शिवानी की सारी सहेलियां उसका खूब मजाक उड़ाती है, क्योंकि शिवानी ने ना तो अच्छे कपड़े पहने थे ना ही अच्छे सैंडल। अरे शिवानी, कम से कम आज तो नहा धोकर कॉलेज आ जाती, सोकर उठकर सीधा यहीं आ गई है क्या? या फिर आज तेरी वो गरीब माँ ने तुझे कपड़े नहीं दिलाए? एक एक करके शिवानी के सभी दोस्तों ने शिवानी का बहुत मजाक उड़ाया। शिवानी गुस्से से घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे रागिनी की तरह नई नई फ्रॉक और सैंडल चाहिए। माँ दो दिन बाद मेरी दोस्त आशिमा की भी शादी है। मैं चाहती हूँ कि इस शादी में मैं सबसे सुंदर लगूँ। आज जिन जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, देखना आशिमा की शादी में सब मेरी ही तारीफ करेंगे। माँ मैं आशिमा की शादी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। फिर उसकी माँ भावना उसे समझाती है, बेटी हमारे पास जितना है उसे में खुश रहना सीखो। बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं करना बंद करो। हम उनकी तरह नहीं हो सकते बेटी। लेकिन माँ मेरे पास खुश रहने के लिए आखिर है ही क्या? ये टूटा फूटा छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूँ? या ये पुराने फटे हुए फ्रॉक, इसमें खुश रहूँ? या मेरी ये पुरानी घिसी हुई जूतियाँ, इसमें खुश रहूँ? शिवानी गुस्से से नाराज होकर बैठ जाती है। भावना के पास इतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो अपनी बेटी को नई फ्रॉक और नई सैंडल दिला सके। फिर वो अपनी बेटी के पास जाकर बोलती है, बेटा मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद के फ्रॉक और सैंडल दिला दूंगी। लेकिन शिवानी नहीं मानती है, वो अभी भी अपनी माँ से नाराज थी। फिर भावना शिवानी को उसकी पुरानी दोस्त प्रिया के पास जाने को बोलती है। बेटा तुम अपने पुराने दोस्त प्रिया के पास जाकर मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। प्रिया भावना की पुरानी मालकिन की बेटी थी। भावना जब प्रिया के घर खाना बनाने जाया करती थी, तब अपने साथ कई बार शिवानी को भी काम पर ले जाया करती थी, जिस बीच शिवानी और प्रिया की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। शिवानी प्रिया से मिलने उसके घर जाती है। प्रिया शिवानी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। शिवानी तुम मेरी दोस्त, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। बताओ कैसी हो, हम बचपन में कितने मजे किया करते थे ना। वे दोनों आपस में ढेरों बातें करते हैं। उसके बाद शिवानी उसे बताती है कि प्रिया दो दिन बाद मेरे कॉलेज के दोस्त आशिमा की शादी है, मुझे उसकी शादी में पहनने के लिए तुम अपना कोई अच्छा सा फ्रॉक और सैंडल मुझे दे सकती हो क्या? मैं वादा करती हूँ मैं उसे सही सलामत तुम्हें लौटा दूंगी। हाँ क्यों नहीं मेरी दोस्त, आखिर हमारी दोस्ती किस दिन काम आएगी। आओ मेरे साथ और ये देखो, इनमें से जो फ्रॉक और सैंडल तुम्हें पसंद हो तुम वो ले लो। प्रिया शिवानी को अपनी सारी फ्रॉक और सैंडल दिखाती है। शिवानी की नज़र एक चमचमाती सुनहरी फ्रॉक और सैंडल पर जाती है। उसे देखकर शिवानी खुशी से कहती है, ये वाला, मुझे तुम्हारा ये सुनहरा फ्रॉक और सैंडल चाहिए। शिवानी ये सोने का है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम जाओ और खुशी खुशी शादी एंजॉय करो। शिवानी खुशी खुशी वो फ्रॉक और सैंडल लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे मिल जाते हैं, जो उसे बेहोश करके उससे उसका सोने का फ्रॉक और सैंडल छीनकर वहाँ से भाग जाते हैं। शिवानी को जब होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब वो अपने पास फ्रॉक
फ्रॉक और सैंडल के थैले को नहीं देखती तो वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे वो फ्रॉक और सैंडल कहाँ गई? उसे किसने चुरा लिया? मैं प्रिया को उसके फ्रॉक और सैंडल कैसे वापस करूंगी? और मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? मेरी माँ अब इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत सर पर गठरी लेकर अपने घर जा रही थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत के सिर पर इतना बोझा था कि उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर शिवानी उनके पास जाकर बोलती है, लाइए दादी, ये बोझा मुझे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे, ये लो, बस ये पास ही मेरा घर है। शिवानी अम्मा का सामान उनके घर तक पहुँचा देती है। क्या आप यहाँ रहती हैं? ये लीजिए दादी, आपका घर आ गया। अंदर आओ बेटी, तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं दादी माँ, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी परेशानी बता देती हूँ। फिर शिवानी उस दादी को अपनी सारी आपबीती सुना देती है। ये सब सुनने के बाद वो दादी उससे कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। और फिर उसके बाद वो दादी शिवानी को एक चमचमाती सोने की फ्रॉक और सैंडल उसे देती है और बोलती है, ये लो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, ये उसी का इनाम है। लेकिन दादी, ये तो बहुत ही कीमती है, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। दादी के बहुत समझाने के बाद शिवानी उसे लेने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि मैंने प्रिया की फ्रॉक और सैंडल को खो दिया, उसके बदले में मैं प्रिया को यही फ्रॉक और सैंडल दे दूंगी। लेकिन जाने से पहले वो दादी अम्मा उससे कहती है कि याद रखना बेटी, ये कोई मामूली फ्रॉक और सैंडल नहीं है, इसका सही इस्तेमाल करना। उस समय शिवानी को उस दादी की कोई भी बात समझ नहीं आती है और वो अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ठीक है, प्रिया की फ्रॉक और सैंडल के बदले तुम प्रिया को ये फ्रॉक और सैंडल दे देना। लेकिन शिवानी को इस बात की चिंता होती है कि आखिर वो आशिमा की शादी में क्या पहनेगी, उसके पास तो कोई अच्छे कपड़े थे ही नहीं। तभी वो बोलती है, काश मेरे पास भी अच्छे फ्रॉक और सैंडल होते तो मैं भी अपने दोस्त के बीच अच्छी दिखती और कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। शिवानी के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही अच्छा फ्रॉक और सैंडल आ जाता है। शिवानी को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। अरे ये फ्रॉक और सैंडल यहाँ कैसे आया? माँ माँ, ये आप लेकर आई हो क्या? लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती, इसलिए शिवानी को कोई जवाब नहीं मिलता और वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन आशिमा की शादी में वो उसी फ्रॉक और सैंडल को पहनकर जाती है। उसके कपड़े और सैंडल को देखकर उसकी सारी सहेलियां उससे पूछती है कि अरे वाह शिवानी, तुम्हारे फ्रॉक और सैंडल तुम बहुत ही अच्छे हैं। हाँ शिवानी, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ये सब सुनकर शिवानी को बहुत ही अच्छा लगता है। शादी खत्म हो जाने के बाद शिवानी जब अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। काश मेरी माँ को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, काश हमारे पास भी अच्छा घर होता जिसमें मेरी माँ आराम से रहती। शिवानी के इतना बोलते ही उसका टूटा फूटा सा मकान एक बहुत ही आलीशान घर में बदल जाता है। ये सब देखकर शिवानी और उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है और अचानक शिवानी को उस दादी अम्मा की बात याद आ जाती है और वो अपनी माँ को बताती है कि माँ, ये फ्रॉक और सैंडल तो जादुई है, मैंने उसे पहनकर जो भी कहा वो सब पूरा हुआ। और फिर शिवानी उस जादुई फ्रॉक और सैंडल की मदद से एक सोने का फ्रॉक और सैंडल मांगती है और फिर वो फ्रॉक और सैंडल लेकर अपनी सहेली प्रिया को दे देती है। घर वापस लौटते समय उसे रास्ते में वही दादी अम्मा दिखाई देती है और वो उस अम्मा का धन्यवाद कहती है। लेकिन वो दादी अम्मा उससे कहती है, लेकिन बेटी इस बात का ध्यान रखना, ये फ्रॉक और सैंडल वही इच्छा पूरी करती है जिसकी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर इस फ्रॉक और सैंडल से लालच में आकर कुछ भी बहुत ज्यादा मांगोगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन शिवानी दादी की बातों पर ध्यान नहीं देती है। शिवानी के मन में लालच आ जाता है
अरे वाह, ये फ्रॉक और सैंडल तो मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती है। और फिर शिवानी जादुई फ्रॉक और सैंडल से बहुत सारे पैसे मांगती है और एक बड़ी गाड़ी। तभी उसका जादुई फ्रॉक और सैंडल गायब हो जाता है और उसका सारा पैसा और गाड़ी भी गायब हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें लालच में मांगी गई थी। उधर उसकी माँ की तबीयत भी और ज्यादा खराब हो जाती है। तब शिवानी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने लालच में आकर सब कुछ गवा दिया। काश उसने उस दिन दादी की बात को मान ली होती और उसके पास जितना था उसी में खुश रहती, तो आज उसकी माँ की तबीयत ठीक होती। शिवानी उस दादी अम्मा के पास फिर से जाती है और उससे अपनी माँ की तबीयत को ठीक करने की प्रार्थना करती है। मुझे माफ कर दीजिए दादी, आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूँगी। मेरे पास जितना है मैं उसी में खुश रहूँगी, बस मेरी माँ की तबीयत ठीक कर दीजिए। बेटी, तुम्हें गलती का एहसास हो गया है तो सब ठीक हो गया, अब तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। शिवानी के घर पहुँचते ही वो देखती है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपनी माँ को गले लगा लेती है और दोनों प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आपको ऐसी ही और नई नई मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।